हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हंग्री टाइगर्स। सो गाइस, ये जो है हमारा एपिसोड 3 लाफ्टर शेफ फूड कुकिंग चैलेंज पार्ट 3 बाय हंग्री टाइगर्स। तो अभी जो है हम आज के जो चैलेंज है उसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं? मोतीचूर का लड्डू। तो हम लड्डू बनाने वाले हैं, और जैसे कि जो लाफ्टर शेफ शो है उसके अंदर जो एपिसोड 2 में जो फर्स्ट डिश बना था वो ये है। एपिसोड 1 में जो दोनों डिश बने थे वो भी हमने बनाया है, क्या कहते हैं, जलेबी और समोसा। उसका जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर फटाफट से देख लेना हमारा एपिसोड 1 और एपिसोड 2। ये है एपिसोड 3, इसके अंदर आज हम बनाने वाले हैं मोतीचूर का लड्डू बनाने वाले हैं। तो फटाफट से बने रहिए और देखते हैं हमसे बनता है या फिर नहीं। जलेबी और समोसा तो बन गया था जैसे, और आज हम मोतीचूर का लड्डू भी जैसे बना लेंगे। तो बने रहिए और आप लोग कमेंट करना ना भूले, और हमें आप लोग मार्क्स देना ना भूले कि हमने आज मोतीचूर का लड्डू कैसा बनाया, चूर चूर बनाया या मोती बनाया। अब वो तो बनने के बाद पता चलेगा। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला था हर वीडियो में जाके आउट ऑफ 10 आप मार्क्स देना जो हमने बनाया है उसके लिए, ठीक है? तो चलो फटाफट से अपना जो मोतीचूर का लड्डू बनाने को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे अपना मोतीचूर का लड्डू। तो हम लोग आज मोतीचूर मतलब बूंदी का लड्डू बनाने वाले। तो बूंदी का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें बूंदी बनाना पड़ेगा। आज के लिए बना चल फटाफट। बूंदी तू बनाएगा, मैं तो चाशनी बनाऊंगी। चलो मैं बनाता हूँ बूंदी, तू बनाएगा। तो गाइस, बूंदी बनाने के लिए पहले हमें लेना पड़ेगा बूंदी, नहीं मतलब बेसन। बूंदी बनाने के पहले बूंदी लेना पड़ेगा, बेसन लेना पड़ेगा, बूंदी नहीं लेना पड़ेगा। बस कर, थोड़ा ही ले, तो बेस्ट कर देगा। बस। तो गाइस, यहाँ पर हमने लिया है बूंदी, ये आप देख सकते हो, सॉरी बेसन लिया है। बोलना है। मैं भी कंफ्यूज हो गई। हाँ, तो हमने यहाँ पर बेसन लिया है और इसका बनेगा बूंदी। तो बूंदी बनाने के लिए इसको पहले हमें ना गीला करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। इसको पहले हमें गीला करना पड़ेगा, उसके बाद इसको थोड़ा पेस्ट बनाना पड़ेगा। पेस्ट, तो इसका जो है पेस्ट बना के फिर हम इसका बूंदी बनाएंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे। तो इसका चलो फटाफट से पेस्ट बना देता हूँ मैं। तो सच पानी ला, जल्दी ला। तो हमने पाव किलो से थोड़ा ही लिया, मतलब पाव किलो का भी आधा है ये। बस कर, थोड़ा थोड़ा करके डालना पानी, थोड़ा थोड़ा। तो गाइस, अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी ना ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा थोड़ा नहीं देना चाहिए, खड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं रहेगा। तो अपन फटाफट से पेस्ट बनाते हैं। इसके अंदर कुछ मिलाना नहीं होता ना? नहीं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो इतना देर से ये फेटते फेटते इसको घुमाते घुमाते इसके अंदर से मैंने जितने हो सके उतने जो है लम्स निकाल दिए आप देख सकते हो इसका जो कंसिस्टेंसी, देखो इतना ही रखना, इससे ज्यादा रख ये हंस कह दिया मैंने, तो इतना इतना ही रखना है। एंड अभी जो है अभी हम फटाफट से हमारे कैमरा मैन थोड़े कॉमेडी है तो अभी हम फटाफट से तेल को गरम करते हैं और इसको फ्राई करते हैं, बूंदी बनाते हैं। इसको क्या करना है, ये जो ये हमने ये लिया है
ये इसके ऊपर अभी मैं डालूंगा और इसको जब तेल एकदम गर्म हो जाएगा ना तो उसके बाद इसके ऊपर से ये पेस्ट डालूंगा। तो जब इसको डालूंगा तो फिर अपना जो बूंदी वो रेडी हो जाएगा। तो चलो फटाफट से बूंदी रेडी करते हैं। लेकिन अभी तो वो भी बनाएगी ना साइड में, बना चल फटाफट। गैस ऑन करके तू ये तो बना। तेल सबसे गर्म होने देना कि मैं पहले बना लूं ये? नहीं, तो दोनों करते साथ में। तो तू उधर बना वो चाशनी, मैं इधर ये बनाता हूँ फ्राई। पहले तेल गर्म करने रखना है, ठीक है? तो चालू कर गैस, फटाफट फटाफट। तो गाइस अब बनाते हैं चाशनी। तो उसके टोक रख दिया, ठीक है? तो अब इसमें डालेंगे हम शक्कर, एक ग्लास शक्कर का पूरा, आधा ग्लास पानी। अब इसको होने देंगे। और इधर अपना ऑयल गरम हो रहा है। तो गाइस अभी इसने जो है चाशनी बनाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हो आप तेल भी गर्म हो गया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला था ट्राई के लिए, यहाँ आप देख सकते हो। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं बूंदी। तो बूंदी बनाने के लिए अभी यहाँ पर जो है इसको लेंगे और इसके ऊपर डायरेक्टली इसको डालेंगे जो हमने बैटर बनाया है। डाल और गैस फास्ट ही है। फर्स्ट टाइम बूंदी लड्डू बना रहा हूँ मैं, मेरे को दिख नहीं रहा है। डाल और गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे बारिश हो रही है बूंदियों की। मजा आ रहा है। तो ऐसे करना पड़ता है। गाइस आप देख सकते हो कितने तेजी से बूंदी बन रहा है। निकालना है, मैं इसको पहले बना रहा हूँ। तो गाइस अभी इतना इतना ये उसको ये कर लाल हो रहा है, वो क्रिस्पी बन रहा एकदम। गैस स्लो कर, गैस स्लो कर। तो गाइस ये देखो इस तरीके से बूंदी निकालना है और फिर बूंदी निकालने के बाद इसके ऊपर जो डाले थे इसको थोड़ा हाथ से ही कर देना है, मतलब से नीचे का हटा देना है। हटा देना है फिर अच्छे से बूंदी बनेगा। वाओ फ्राई होने के बाद जो सुगंध आता है ना वैसा आ रहा है एकदम मस्त। अभी काम का डाल, चल ये देखो फिर से क्रिस्प दिखाना है। गरम ही गरम है अभी, एकदम परफेक्ट बना है। ये देखो डाल चल। बस अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा हो गया या ज्यादा पतला हो तो फिर बूंदी बराबर नहीं बनता है। इसको थोड़ा सा पैट पैट करूंगा ताकि अगर बैटर लंबा बनेगा। कुछ नहीं, बैटर कैसे लंबा बने। तो गाइस बूंदी फर्स्ट टाइम बना रही है और कैसा बनता है लेट्स सी। ए तेरा उस पे ध्यान दे तू, मेरे पूरा फोकस बूंदी पे जा रहा है। चाशनी ये हो चुका है, इसको बंद कर देते। तो गाइस और जो है और ये अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो इसको थोड़ा सा ना क्लीन कर देना अपने को। तो उधर निकाल निकाल निकाल। परफेक्ट गोल गोल बूंदी बन रही है पहली बार में, फर्स्ट ट्राई में। तो गाइस ऐसे ही हम फटाफट से जितने भी बूंदियां हैं पहले हम फटाफट बूंदियां बना ले पूरा। तो गाइस अभी जो है बूंदी रेडी हो गया है। बूंदी आप देख सकते हो बूंदी रेडी हो चुका है, ये देखिए। एंड अभी जो है इसके अंदर भी हम ऐड करेंगे, इसके अंदर नहीं इसको ऐड करेंगे, इसके अंदर चाशनी। इसको चाशनी में ऐड करेंगे। तो फिर ये हमारी चाशनी भी एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखो
ऐसा होना चाहिए। अभी ये बूंदी चाशनी के अंदर डाल देंगे। डाल दे, पूरा डाल दे बस। तो अभी हम लोग इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके ताकि सब बूंदी में लग जाए चाशनी। So guys, अभी आप देख सकते हो जैसे कि इसको ना अभी इसके अंदर बूंदी के अंदर ये सोक होने के लिए रख देंगे। इसको अभी सोकेगा वो जो बूंदी है हमारा, ठीक है। अभी इसको हमने डाल दिया चाशनी में, बराबर। हाँ। तो अभी ठीक है, इसको भी देखते 5 मिनट बाद इसका जो है हम लड्डू बनाते हैं ताकि वो ठंडा भी हो जाए। और आज हम अपना लड्डू जो है उसको रेडी करते हैं फटाफट, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको फटाफट से बना लेते हैं। तो गाइस जैसे कि अपना 15 मिनट हो गया है, रखे इसको 15 मिनट रख दिया था हम लोगों ने ताकि वो ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ये सोख ले, ठीक है। और अभी इसका जो है हम बनाएंगे लड्डू। तो अभी इसको आप देख सकते हैं बनता है क्या, ट्राई करते हैं। हां गरम है तो क्या ठंडा है, गरम ही हो। हां गरम है थोड़ा सा। इसको बाइंड करेंगे इसको इस तरह से, इसको ऐसा कर ऐसा बंद ही नहीं रहे, मेरा बन रहा है। इसको ऐसे दोनों हाथ से कर लेना। कैसा ऐसे तो कर रहा हूँ, अब कैसा करना है मेरा, कैसा होगा फिर? ऐसा लड्डू बन गया है, शाबाश बेटा, इतना सुंदर सा, बहुत बढ़िया। इसको देख, मैं आपको एक ट्रिक बना रही हूँ। इसको ऐसे हाथ में लेने का, ऐसा थोड़ा सा गाइस, हमने हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लिया था ताकि वो हाथ पे ना चिपके। इसको पहले स्टार्टिंग में से नॉर्मली प्रेस करने का। और ये मेरा भी हो गया, ये देखो। सो ये हमारा सेकंड लड्डू रेडी है। गाइस लड्डू बन रहा है सर, एक शेप का होना चाहिए ना, ठीक है। मेरा पहली बार बना रहे, इतना इतना परफेक्ट। देख कर अभी एक शेप का, इसका टूट गया। ओ माय, मेरा एकदम परफेक्ट हो रहा है। बोला एक शेप का करूंगा। अच्छा तो तेरा कम कर, फटाफट फटाफट लड्डू ये साइड मेरा, दोनों साइड में साथ में रखने दे मेरे। इधर मेरा दो लड्डू रेडी है, ये दोनों फटाफट बना लेते हैं इसमें। तो गाइस हमने अपना जो है मोतीचूर का लड्डू या बूंदी लड्डू हमने तैयार कर लिया है। मेरे से तो अच्छे से बन नहीं रहा था तो हमने बना लिया है। और जो मैं क्राइटेरिया मैंने बताना भूल गया, क्राइटेरिया ये था कि जो हमारा राउंड शेप होना चाहिए फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकेंड सारे जो है सब सिमिलर शेप के होने चाहिए, थर्ड क्राइटेरिया ये था हमारा कि लड्डू ब्रोकन नहीं होना चाहिए, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए जैसे कि लाफ्टर शेप में होता है। तो हमने उस तरीके से ही बनाने का पूरा ट्राई किया है और हमने बना लिया है। गोल है क्या? गोल है क्या? नहीं गोली है ना ये। तो अभी हम ट्राई करते हैं खुद ही। 15 मिनट तक इसको रख दिया था हमने चाशनी में डालकर, ये देखो टूट नहीं रहा, मतलब बाइंड हो गया। चाहिए अभी तक हमने जितना भी डिश बनाया सब पहली बार बनाया था, जैसे मैंने एपिसोड 1 में बनाया था जलेबी, एपिसोड 2 में बनाया था समोसा, 3 में ये बनाया, और जितना भी बनाया हमसे तो बन चुका है सभी। समोसा आला की बराबर शेप में नहीं था, जलेबी भी शेप में नहीं आया, लेकिन टेस्ट तीनों का अच्छा है। इसका भी टेस्ट अच्छा है, इसका शेप भी अच्छा है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट में जरूर कमेंट करना कि आपको ये डिश जो हमने बनाया लड्डू, ये रेसिपी भी आपको कैसा लगा, और हमने जो बनाया जिस तरीके से वो तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें करना है या करना रह गया तो आप हमें कमेंट में जरूर कमेंट करें। और कुछ तुझे बोलना है? कुछ भी गलत हुआ तो बता देना, ठीक है। और मार्क्स जरूर देना 10 कि उसका कितना मार्क्स दोगे। बाकी हमने बना लिया, बना तो मतलब टेस्ट अच्छा है, टेस्ट में खराब नहीं है और बना भी अच्छा है, ठीक है। तो हमारा भी नेक्स्ट जो एपिसोड है वो कल आएगा,
उसके अंदर क्या है वो कल के एपिसोड में पता चलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए फटाफट से। एपिसोड 3 का एंडिंग हम अभी यहीं पर करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर, ताकि हमारे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। और अभी गर्म हो रहा है ठीक है, तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।